मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, तो वहीं नेताओं के आरोप और प्रत्यारोप भी देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। तो वहीं सिवनी से भाजपा विधायक वर्तमान प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन ने विगत दिनों लखनऊ नगर परिषद अध्यक्ष मीना बलराम गोलानी पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो वहीं नगर परिषद लखनऊ पर लगे आरोपों के संदर्भ में नगर परिषद अध्यक्ष के पुत्र आशीष गोलानी ने पलटवार करते हुए बीएस न्यूज नेटवर्क संवाददाता तिलक जाटव के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा और क्या आरोप लगाए, देखे पूरी रिपोर्ट। आज हमारे साथ लखनऊ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष गोलानी जी बैठे हैं। लखनऊ नगर पंचायत के ऊपर आरोप लगे थे, पोर्टल में लगाए गए थे भ्रष्टाचार के, तो हम आशीष गोलानी जी से जानना चाहेंगे क्या आरोप लगे थे और क्या है पूरा मामला। आशीष जी, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में मेरी माताजी अध्यक्ष नगर परिषद लखनऊ और हमारे परिषद के सभी साथियों के ऊपर आरोप लगाए गए कि इस परिषद ने करोड़ों का भुगतान कर दिया, जिसका रासात कर दिया गया था, ये कर दिया गया था, वो कर दिया गया था, ना ही ऐसा किसी भी प्रकार का करोड़ों का भुगतान हुआ है। और एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति विधायक शिवनी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है, ये निश्चित रूप से मानहानि उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की हुई है और ये मानहानि का विषय भी है। जिस प्रकार से उनने छोटे आरोप लगाए हैं उससे ऐसा लगता है कि ये मनगढ़ंत और छूटे जिस प्रकार से आरोप विधायक जी लगा रहे हैं, ये क्षेत्र की जनता को मिसगाइड करने का और छूटे तथ्य क्षेत्र की जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लगभग 15 करोड़ की जल आवर्धन योजना नगर में आई थी, जिसमें 14 करोड़ 96 लाख रुपए और पूरे 15 करोड़ की राशि का भुगतान तो श्री दिनेश राय जी और इनके जो परिवार के लोग थे उनने किया, और उसकी जो सुरक्षा निधि मात्र 14 लाख रुपए की थी, वो सुरक्षा निधि का भुगतान नई परिषद ने की है। और वो सुरक्षा निधि जो भी ठेकेदार जमा करता है वो सुरक्षा निधि का मात्र भुगतान करता है। और इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि इस परिषद ने और इस अध्यक्ष ने करोड़ों का भुगतान कर दिया और सिवनी जिले का सबसे बड़ा घोटाला किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक बात बतलाइएगा, 14 लाख रुपए का भुगतान निकाय अगर सुरक्षा निधि किसी की एसडी राशि जमा उसका भुगतान अगर निकाय नहीं किया और जिले का सबसे बड़ा करोड़ों का घोटाला वो कहला रही है, तो फिर आपने लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान उस ठेकेदार का किया है। ये तो अगर कहा जाए तो उसका 14 लाख रुपए का भुगतान और ये 15 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान आपने किया है, तो ये तो प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला कहला गया फिर उसके हिसाब से। तो ऐसे छूटे आरोप जिस प्रकार से विधायक जी ने लगाए हैं ये निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। और ये जिस प्रकार से मानहानि और हमको क्षेत्र की जनता, नगर की जनता, हम नगर में कार्य करने के लिए आए हैं और सुचिता और ईमानदारी के साथ नगर में हम कार्य कर रहे हैं, मगर ये जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं ये अशोभनीय है। आशीष जी, एक बात और है, पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश राय मुनमुन भी रहे हैं, उनकी माता जी रही हैं, उनके भाई साहब रहे हैं, तो इनके द्वारा क्या कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया? किया गया तो क्या किया गया वह आप बताएं। अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार, इनके पेट्रोल से लगातार ये डीजल पेट्रोल कितना निकाय को दे रहे थे, क्या कर रहे थे, बिलिंग इनके यहाँ से हो रही थी, नगर में इनके यहाँ से गिट्टियां आ रही थी, ये आ रही थी इनके प्रेशर से, बहुत सी चीजें हैं उनमें मैं, यानी कि ऐसी चीज पूरा शहर और क्षेत्र जानता है। ये माइक में और कैमरे के सामने भले कुछ बोलेंगे, मैं लिप्त नहीं था, मैं ये नहीं था, हमारी नई परिषद आई तब हमने अन्य जगह से डीजल पेट्रोल खरीदना प्रारंभ किया। बैल बाजार का भी था, जहाँ मैं नहीं कहना चाहिए मगर आप जब इन्होंने कहा है तो वो बात सामने आएगी। मेरी माताजी के ऊपर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि करोड़ों का भुगतान इन्होंने कर दिया और घोटाला किया और जिले का सबसे बड़ा घोटाला है, तो घोटाला तो प्रमाणित इन लोगों ने किया है जो प्रमाणित में वहां पर आयुक्त संचालनालय से पत्र आते हैं और उसमें इन्होंने बैल बाजार को फ्री कर दिया था ठेकेदार से सांठगांठ करके, जबकि इनको संबंधित विभाग से कोई चर्चा करके उसको फ्री करना था, जबकि लाखों रुपए का ठेका वो जाता था। तो ये सारी बहुत सी चीजें हैं और उसके ऊपर शासन ने इनके ऊपर राशि भी निरूपित की थी, इनसे वसूली की जानी थी, वो अभी तक नहीं पटाई गई इनके द्वारा। बहुत सी चीजें हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर जिस प्रकार से जो आरोप लगाए हैं इन आरोपों को लेकर मुझे खेद है और हम अपने आप की बहुत बड़ी मानहानि इसमें हमें लग रहा है कि इन्होंने मानहानि हमारी की है। रिकवरी की बात करें, आप बैल बाजार की बात करें, उस बात को स्पष्ट कीजिए कि किसके द्वारा रिकवरी, किसके नाम पे रिकवरी निकली है।
अरे वो उसमें तो तीन दो तीन उस समय का तात्कालिक सीएमओ चौधरी थे, योगेंद्र सिंह ढिमोले था और पूज्य माताजी उस समय हमारी मौसी जी श्रीमती सुधा राय जी थी, तीनों के नाम से वो कभी अब तो वो चूंकि उनका देवलोक गमन हो गया हमारे बीच नहीं है, इस कारण मैं वो चर्चा नहीं करना चाहता, मगर चूंकि गंभीर आरोप जिस प्रकार से करोड़ों के घोटाले के लगाए गए हैं इस कारण से विषय को मैं सामने रख रहा हूँ। और भी घोटाले हैं जो इनके द्वारा किए गए थे तो उनमें क्या कहेंगे आप? तो अरे वो उस समय एक नर्मदा सेन था, लाखों रुपया के निकाय के कर की राशि उनने गबन कर लिया, उसको वो राशि को इन्होंने फिर पटवाया और अन्य लोगों से लेकर उसकी जमीन बिकवाई गई, उसके बाद वो निलंबित हुआ। तो ये बहुत सी चीजें हैं, इतना घोटाला का पांडव था भी हमारे नगर परिषद में, जितने भी जागरूक हमारे सभापति हैं उन्होंने पूरी नगर में मॉनिटरिंग, चाहे राजस्व हो, लोक निर्माण हो, गुणवत्तापूर्ण कार्य शहर के अंदर में हो रहा है, सारे वार्डों के अंदर में विकास की गंगा लखनऊ नगर के अंदर में बह रही है। और जहां तक पहले की बात करें तो क्या नहीं हुआ शहर के अंदर में, लखनऊ के अंदर में, चाहे वो रोटा नाला की साफ सफाई की बात हो, चाहे ऐसी कई चीजें रोडों का निर्माण कार्य हो, कई चीजों को नाम उनके गिनाएंगे तो थक जाएंगे, इतने काम है जिनमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार पहले हुए। मेरी जानकारी अनुसार सिवनी विधायक द्वारा 1 करोड़ की राशि उन वार्डों के लिए स्वीकृत कराई गई थी जो कांग्रेस के वार्ड और निर्दलीय वार्ड हैं, जबकि भाजपा की सरकार जी अपने आप को भाजपा का विधायक बोलते हैं, तो क्या मानते हैं इस बात को? ये बात सही है कि पहले कांग्रेस के कुछ पार्षदों के लिए इन्होंने पत्राचार किया, जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी PIC के सदस्यगण और पार्षदगण यहाँ पर बैठे हैं, तो जो परिषद है जो निकाय है उसके पक्ष में इन्होंने पत्राचार नहीं किया, इन्होंने कांग्रेस के पार्षदों उन 7 पार्षदों के पक्ष में पत्राचार किया कि इन पार्षदों को इन वार्डों में विकास के कार्य कराए जाए। तो उसका संबंधित विभाग के द्वारा लेटर आया संचालनालय से कि आप इसका प्रस्ताव पास करके भेजिए, तो हमारी नगर की जो निकाय है और हमारे सभी सभापतियों ने और जो बहुमत वाला हमारा अध्यक्ष है सभी लोगों ने कहा नहीं, 7 वार्डों में नहीं, इसका प्रस्ताव अगर पास होगा तो पूरे नगर के 15 वार्डों के लिए होगा और शुचिता के साथ सारे वार्डों में काम हो रहे हैं। और ये मात्र उन कांग्रेस के 5 वार्डों में जिनके साथ रहते थे और जो जिनको इन्होंने चुनाव लड़ाया था उसके पक्ष में ये प्रचार प्रसार उसके लिए राशि को स्वीकृत कराने की बात कर रहे थे, निकाय ने 15 वार्डों के लिए स्वीकृत किया, उसके बाद हमारे प्रस्ताव को कलेक्टर साहब को देकर और वो प्रस्ताव को दस्त कराया गया, और उसके बाद जब हम हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने जो प्रस्ताव वहां से निरस्त हुआ था उसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया कि नहीं ये निकाय के द्वारा प्रस्ताव पास हुआ है। और उसके बाद फिर से हमारी परिषद की बैठक हुई, सारे पार्षदों ने फिर से एकमत हो गए, बहुमत के साथ प्रस्ताव को भी पास किया। यानी कि इस प्रकार का काम लगातार नगर के विकास के साथ जो है आप खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ये शिकायत करना, कहीं ये कराना। रही बात अभी जैसे ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, ट्रैक्टर की बात में ट्रैक्टर हमें एजेंसी वाले ने, हम सभी पार्षद लोग ट्रैक्टर देखने गए तो हमने भिजवा दिया था, कोई निकाय ने ट्रैक्टर परचेज नहीं किया था, कुछ दिनों तक वो ट्रैक्टर रहा, उसके बाद वो ट्रैक्टर लेके चला गया, ना ही उसका कोई भुगतान किया ना ही कुछ हुआ उसमें, उसका आरोप लगा रहे थे। बीच में भी उसका और भी अन्य चीजों का आरोप लगा रहे हैं, सारे झूठे आरोप है, ये बात ठीक नहीं है। आप जिस गरिमामय पद में बैठे हैं उस पद की गरिमा को आप रखें, ये झूठे आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। हमने आज तक किसी भी प्रकार के सब इतना होने के बाद भी, चूंकि पूज्य माता जी श्रीमती सुधा राय जी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी रिकवरी भी निकली सारी चीजें, मगर हम सार्वजनिक रूप से आकर हमने उनका नाम कभी नहीं लिया, चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनका मान सम्मान और गरिमा का हमने ध्यान रखा है। मगर जिस प्रकार से हमारी माता जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों का घोटाला और जिले का घोटाला, जबकि इतना भुगतान हुआ ही मात्र 14 लाख का सुरक्षा निधि का भुगतान हुआ, तो ये गलत आरोप जनता के सामने ना परोसे, ये ठीक बात नहीं है।